ग्रेटर नोएडा जो भव्य आयोजन लाल किला पर प्रत्येक वर्ष कराते हैं, उन्हें विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूँ। इस तरीके के आयोजन निश्चित तौर से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। एक प्रेरणा भगवान श्री राम के उस चरित्र की जिसमें समर्पण का भाव है, जिसमें दया है, करुणा है और जिसमें क्षत्रियोचित धर्म का पालन भी है। भरत जैसे भाई का उल्लेख है, रामचंद्र जी जैसे जिनके छोटे भाई लक्ष्मण अपने सुख को त्याग कर अपनी भाभी और अपने भाई के साथ वन गमन करते हैं और दिन रात उनकी सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर से यह उन महान भारतीय संस्कृति के चरित्र हैं जिन्हें हमें अनुकरण करना चाहिए और यही बात हमें दुनिया की अन्य संस्कृतियों से अलग करती है। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार सभी लोग ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें जिससे हमारे आने वाले भविष्य और आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि हम क्या थे, हमारा भूतकाल क्या था और हमारा चरित्र क्या था, हमारी संस्कृति क्या थी। ऐसे कार्यों में जो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। रामलीला का कार्यक्रम कर और आदरणीय सतीश लम्बरदास जी बैठे हैं, तो इस कार्यक्रम का लोगों को संस्कार की शिक्षा, लोगों को चरित्र की शिक्षा, लोगों का मनोरंजन आप करते हैं, पूरी कमेटी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और श्री भगवान से कामना करता हूँ कि ये रामलीला आपकी दिन दोनी रात चौनी इसी तरह से तरक्की करते रहे। हर हुए प्रोग्राम आप करते हैं, बहुत प्रोग्राम होते रहे, आपने मुझे बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। कोई धर्म विशेष के लोग इसमें नहीं है, इसमें सभी जाति और सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग अपना सहयोग करते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों का सहयोग इस रामलीला को संपन्न कराने में निरंतर मिलता रहता है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि जैसे आपका अतीत में हम सब लोगों को सहयोग मिलता रहा है, भविष्य में भी इसी कामना के साथ में कि आप लोग इस रामलीला कमेटी को अपना स्नेह इसी प्रकार देते रहेंगे, अपना सहयोग इसी प्रकार देते रहेंगे। क्योंकि ये समाज के लिए करा जा रहा काम है, तो इसमें प्रत्येक आदमी की आहुति अपने तन मन धन किसी भी तरीके के सहयोग से इसमें आहुति लगनी जरूरी है। और जब सब लोगों की आहुति एक संपूर्ण यज्ञ में लगती है तभी वो यज्ञ संपन्न माना जाता है, तभी वो यज्ञ और तभी वो कार्यक्रम सफल माना जाता है। तो मेरी पुनः एक बार हृदय के अंतिम तन से आप सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ पहुंचे, और आपसे अपेक्षा कि आप प्रत्येक तरीके से इस रामलीला कमेटी को अपना सहयोग देते रहेंगे और कार्यक्रम में सहपरिवार आप यहाँ पे आकर भगवान श्री राम के चरित्र को, भ्राता लक्ष्मण के चरित्र को और महाबली हनुमान के चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं जितने भी मेरे बुजुर्ग और हमारे संगठन के लोग आजकल भाटी जी हैं, पवन खटाना जी हैं, भारतीय किसानों यूनियन पंचायत से आए हुए हैं, हमारे धर्मचंद जी हैं और सारे पत्रकार बंधु और मातृशक्ति, सभी से मेरा अनुरोध है और अनुरोध भी नहीं है, विनती है कि सभी लोग जो ऊपर से काम ये प्रोग्राम सुनाने वाले हैं और सभी लोग बच्चों का सुंदर कार्यक्रम है, सभी लोग आप आएँ और सुंदर प्रसाद का की व्यवस्था की गई है और आपका प्रसाद लेकर जाएं और आप सभी का बारंबार धन्यवाद करता हूं मैं। धन्यवाद। थैंक यू।